हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट वन में हमने कुछ देशों के पुराने नामों के बारे में डिस्कस किया हुआ था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वह वीडियो पसंद आई होगी और देशों के जो नाम थे पुराने नाम वो सभी आप लोगों को याद हो गया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट इस पार्ट में अन्य देशों के नामों को देखेंगे जिसको क्या कहा जाता था। जो पिछली वीडियो था उसमें जितने भी देश थे वो सब सारे एशिया महाद्वीप के पार्ट थे, एशिया महाद्वीप के देश थे। आज हम लोग इसमें अन्य महादेश और अन्य जगहों के बारे में, अन्य देशों के बारे में ही देखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल में नए आए हैं वह पार्ट वन को जाकर के देख सकते हैं और जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि उनको ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है नए नाम और पुराने नाम। तो सबसे पहला है हमारा घाना। सबसे पहले हमारा जो देश है वह है घाना। तो इसको क्या कहा जाता था? तो इसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। और दोस्तों, ये जो गोल्ड कोस्ट है यह तो घाना का पुराना नाम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक शहर का भी नाम है गोल्ड कोस्ट। तो वह ध्यान रखना है कि गोल्ड कोस्ट शहर अगर बात करते हैं तो वह ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अगर देश की बात करते हैं तो वह हो जाएगा हमारा घाना। सूरीनाम। अगला है हमारा सूरीनाम। तो सूरीनाम का जो पुराना नाम था वह था डच गुयाना। तो सूरीनाम का पुराना नाम था डच गुयाना। अब अगला हमारा आता है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे इसका जो पुराना नाम था वह था दक्षिणी रोडेशिया। इसका पुराना नाम था दक्षिणी रोडेशिया। और ये जो जिम्बाब्वे की बात है, जाम्बिया, ये जो जाम्बिया देश है इसका नाम क्या था पुराना नाम? तो इसका पुराना नाम था उत्तरी रोडेशिया। तो जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया। ये जितने भी देश के अभी मैं बता दे रहा हूँ नाम, वो सब सारे अफ्रीकन कंट्री हैं, मतलब कि अफ्रीका महादेश के ये लोग देश हैं, उनके पार्ट हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है अभी वर्तमान में हरारे है, उसको बहुत समय तक कहा जाता था सेल्सबरी। तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है अभी, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसकी जो राजधानी है हरारे, यह राजधानी, इसको बहुत समय तक क्या कहा जाता था? तो इसको भी कहा जाता था सेल्सबरी, सेल्स बरी या सेलिसबरी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये जो जाम्बिया है वह तो हमारा हो गया उत्तरी रोडेशिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट जिबूती। तो ये जो जिबूती है उसका पुराना नाम था फ्रेंच सोमालीलैंड। तो इसका पुराना नाम था फ्रेंच सोमालीलैंड, फ्रेंच सोमाली लैंड। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है जायरे। तो जायरे इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यह था इसका पुराना नाम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यानी कि कांगो या जायरे दोनों क्या है हमारा? दोनों एक ही है। तो यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखना कि कांगो का ही अभी जो नया नाम हुआ है वह है जायरे। अब हमारा है इथियोपिया। क्या है हमारा? इथियोपिया। तो इसका जो पुराना नाम था वह है हमारा अबिसिनिया। तो इथियोपिया की जो पुरानी नाम थी वह है अबिसिनिया। अबिसिनिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा बोत्सवाना। तो बोत्सवाना का पुराना नाम था बचुआना लैंड। तो इसका पुराना नाम था बचू आना लैंड।
तो बोस्वाना का पुराना नाम हो गया हमारा बोट्स्वाना लैंड। अगला है हमारा लेसोथो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसोथो, तो इसका पुराना नाम है वास्टा लैंड। तो इसका पुराना नाम है वास्टा लैंड। दोस्तों ये जो लेसोथो है वह दक्षिण अफ्रीका के ही एक देश का नाम है। अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में है दक्षिण अफ्रीका देश, और इसी दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर में है यह हमारा लेसोथो देश, उसी का एक पार्ट है, और उसी का जो पुराना नाम था वह था वास्टालैंड। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप लोग मैप में जाकर के इन सारे देशों को देख सकते हैं कि कहाँ पर इसका लोकेशन है। हो सकता है ये आप लोगों के लिए मददगार हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और ऐसे भी जियोग्राफी में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पूरा मैप को ध्यान रखने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला है हमारा मालागासी। मालागासी, इसी का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है मेडागास्कर। तो यह है हमारा मेडागास्कर, और यह भी हमारा जो है अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट की ओर यह देश बसा हुआ है, जो कि एक द्वीपीय देश है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अफ्रीका महादेश की यह दाहिनी तट, मतलब कि पूर्वी तट की ओर यह मेडागास्कर यानी कि मालागासी देश है। अगला है हमारा मालावी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर मालावी, तो इसी का पुराना नाम है न्यासा लैंड, न्यासा लैंड। तो आप मालावी का जो नाम है, पुराना नाम हुआ है न्यासा लैंड, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब जितने भी देशों के नाम मैंने अभी बताया, ये सब सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो आपको यहाँ से ये जो घाना है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा घाना। उसी प्रकार से जितने भी देशों के नाम हैं वो पुराने जो नाम हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आप इस सबको ध्यान में रखते हुए याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा बेलीज। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है वह है ब्रिटिश होंडू रास। इसका पूरा नाम है ब्रिटिश होंडू रास। अगला है हमारा हवाई द्वीप, और यह बहुत ज़्यादा फेमस द्वीप का भी नाम है। तो हवाई द्वीप, इसका पूरा नाम है सैंडविच आइलैंड। इसका पूरा नाम है सैंडविच आइलैंड। नेक्स्ट है हमारा नीदरलैंड। यह है हमारा नीदरलैंड, और यह क्या है? यह एक यूरोपीय देश है। तो इसका जो पुराना नाम है वह नाम है हॉलैंड। इसका पुराना नाम है हॉलैंड। तो आप यह ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह एक क्या है? यूरोपीय देश है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बेलीज है यानी कि ब्रिटिश होंडुरास, यह कौन सा महादेश में स्थित है, और साथ ही साथ में सैंडविच आइलैंड यानी कि हवाई द्वीप, तो यह कौन सा महासागर में स्थित है। तो ये दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों जो चैनल में नए आए हैं वह पिछले पार्ट वन को भी देख सकते हैं, ताकि उनको भी जितने भी जानकारियाँ थी वो सब आपको प्राप्त हो जाए, और अपने दोस्तों को भी वीडियोस जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिले, और हो सकता है अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।